कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माति मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घन श्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर देसी कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो कि सबसे पहले सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, और यही श्रीमद् भागवत गीता का महत्व आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता जो कि अलग है और श्रीमद् भागवत कथा अलग है, और श्रीमद् भागवत कथा जो कि पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा मनुष्य का जीवन सफल करवाती है, और जो इस महत्व का पूरी श्रद्धा के साथ पूरी निष्ठा के साथ में श्रवण करता है, निश्चय ही उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा का जो महत्व है उसमें सबसे पहली कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था, वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ में निवास करता था। आत्मदेव बड़े ही विद्वान सज्जन तथा धर्मात्मा व्यक्ति थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली, वह स्वभाव से बड़ी झगड़ालू थी और हमेशा दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों के दोष निकालना, वही उसका स्वभाव था। लेकिन आत्मदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो समर्थवान थे, धनवान थे, ज्ञानवान थे और विद्वान ब्राह्मण थे। पूरे क्षेत्र में उनका नाम चलता था। लेकिन आत्मदेव एक बात से बहुत दुखी थे कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। वो निसंतान थे, इस बात को लेकर के काफी दुखी रहते थे, और संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाई। अतः उन्होंने एक दिन निश्चय कर लिया कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और मैं निसंतान ही मर जाऊंगा। और जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है उसका प्रेत कर्म आदि जो है कौन करता है, यानी उस व्यक्ति को पिंड दान कौन करता है। इसलिए आत्मदेव मृत्यु के लिए वन में निकल गए, और रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी से जो है मुलाकात होती है, और उनको सबसे पहले आत्मदेव प्रणाम करते हैं, और आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगते हैं। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, समस्त वैभव है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मृत्यु की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए मैं वन में आया हूँ। संतान के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, और सब कुछ इस संसार में सूना सूना है, और तो और मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी मेरे घर में बांझ रहती है, तथा जो भी पेड़ पौधे में लगाता हूँ वह भी फलते फूलते नहीं है और सूख जाते हैं, और तो और मेरे घर में जो तुलसी का वृक्ष है वो भी बारंबार सूख जाता है। लोग मुझे ताने देते हैं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जो है मुझे बुरा और भला कहते हैं, मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कह करके संत के चरणों में गिर करके आत्मदेव जी फूट फूट करके रोने लगे। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है।
जिसके घर में कोई संतान नहीं होती है वह तो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह तुम त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की संसार की सभी इच्छाएं जागेगी और तुम परमात्मा से दूर होते जाओगे। और प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा भक्त है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। आत्मदेव ने कहा कि आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के लिए तो मुझे केवल और केवल पुत्र चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुत्र से मुक्ति नहीं, जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा को पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर देता है वही इस संसार में से मुक्त हो जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के बोले कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध और मेरा पिंड दान नहीं होगा और मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा, अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। महात्मा जी कहने लगे कि यह शरीर ही पिंड है और उसे परमात्मा को अर्पण करना ही सबसे बड़ा पिंड दान है। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो केवल सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मुझे आपके उपदेशों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल और केवल आपसे पुत्र की याचना कर रहा हूँ। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए और यदि आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके सामने ही मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा, जिसका दोष आपको प्राप्त होगा। आत्मदेव की जिद एवं दुराग्रह को देख करके महात्मा जी ने एक फल हाथ में लिया और उस फल को अभिमंत्रित किया तथा कहा कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी और तुम्हारी स्त्री को एक वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा, यानी जब तक पुत्र प्राप्त न हो जाए तब तक उसे सात्विक रहना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी उस फल को लेकर के अपने घर आए और अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और कहा कि देवी इस फल को तुम खा लो और इसको खाने से तुम्हें जो है बालक की प्राप्ति होगी और निश्चय ही हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद वह फल आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ने अपने हाथ में लिया और उसकी मन में कई प्रकार के कुतर्क आने लगे। सोचने लगे कि अरे गर्भावस्था में काफी दुख उठाना पड़ता है, झंझट ही झंझट है, मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक यदि मेरे गर्भ में आ गया तो 12 वर्ष तक वह गर्भ में निवास करेगा, मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी। और इस प्रकार उसके मन में कई प्रकार के कुतर्क उत्पन्न होने लगे। धुंधुली ने अपनी छोटी बहन से सारी बातें कही और उसने युक्ति सुझाई और उस छोटी बहन ने कहा कि मैं अभी इस समय गर्भवती हूँ और मुझे बालक की प्राप्ति होने वाली है और जो भी बालक मेरा जन्म लेगा वह मैं तुझे दे दूंगी, तू आज से गर्भवती होने का नाटक कर और जो फल तुम्हें दिया है तुम्हारे पतिदेव ने उसे गाय को खिला दो। महात्मा जी का कितना सत्य है, इस फल में कितनी शक्ति है वह भी पता लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो गाय है वह भी बछड़ा नहीं दे रही है, इसलिए इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा और मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में कुछ न कुछ धन मुझे दे देना क्योंकि मेरे पास धन की कमी है और मेरे पास और भी पुत्र है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के इस फल को गाय को खिला दो और अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांध करके गर्भवती का होने का नाटक करो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 9 महीने व्यतीत हो गए। समय बीतने पर धुंधुली अपनी बहन का पुत्र अपने घर ले आई और अचानक जो है अपने पति को समाचार पहुंचाती है कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो चुका है, बेटा हुआ है। आत्मदेव ने बड़ा भारी उत्सव मनाया, नामकरण संस्कार किया और स्वयं का नाम आत्मदेव था
तो उसने सोचा कि इस बेटे का नाम मैं परमात्म देव रख देता हूँ। तो धुंधली ने कहा कि अरे वाह, इस बच्चे को मैंने 9 महीने तक गर्भ में रखा है और तुम अपने नाम से इसका नाम रखोगे? अरे मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधुकारी होगा, और मेरा बेटा है तो मेरा ही नाम इसको जो है पहचान के रूप में विख्यात होगा। और जो फल गाय को खिलाया था धुंधली ने, उस गाय ने भी जो है एक बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े के जो कान थे वो गाय के जैसे थे, लेकिन पूरा शरीर उसका मनुष्य के जैसा था। तो आत्मदेव ने बड़ा विचार किया और उस बालक का नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया। यानी गाय के पेट से भी एक बच्चे का जन्म हुआ, और वह भी जो है गाय के कान के समान उसके कान थे, और उसका नाम गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ। अब दोनों बड़े होने लगे, धुंधुकारी और गोकर्ण। धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़े ही शांत और सात्विक प्रवृत्ति के थे। धुंधुकारी सारे दुष्कर्म किया करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, और घर की सारी संपत्ति जुए में वह निरंतर नष्ट करता जा रहा था। धीरे धीरे उसने सारे घर की पूरी संपत्ति को नष्ट कर दी, और कहावत है कि पूत कपूत को तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। अर्थात यदि पुत्र आपका कुपुत्र निकल गया तो सारा धन आपका नष्ट कर देगा, इसलिए क्यों धन का संचय करना। और यदि आपका पुत्र सुपुत्र निकल गया तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही इतना कमा लेगा कि आपको किसी भी प्रकार का धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर दुष्ट पुत्र है तो आपको अपने खून पसीने की जो कमाई है वह बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सुपुत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधुकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचरण को देख करके आत्मदेव का मन बड़ा दुखी हो गया, और उन्होंने विचार किया कि इससे तो मैं पुत्र ही नहीं अच्छा था। पिता के दुख को देख करके गोकर्ण पिता के पास आए और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा कि पिताजी, चूंकि वो भी उनके घर में जन्मे थे इसलिए आत्मदेव को अपना पिता ही मानते थे। धुंधुकारी के अपमान से ग्रसित होकर के आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, और गोकर्ण उन्हें उपदेश देते हैं, कहते हैं कि पिताजी, ये संसार दुख का रूप है तथा मोह को बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं, अतः पुत्र मोह को त्याग करके भगवत की भक्ति आप करिए, तभी मनुष्य का जन्म सफल हो जाएगा। जो सुख को चाहे सदा वो प्रभु की शरण उसे लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अतः हे पिताजी, आप धुंधुकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान ना दे करके आप वन में जाकर के प्रभु की आराधना करिए। गोकर्ण की बात को समझ करके पुत्र मोह को त्याग करके आत्मदेव जी अपने घर से निकल जाते हैं और वन में गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ करते हैं, और उस पाठ करने के माध्यम से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति उन्हें प्राप्त हो गई। आत्मदेव जी के चले जाने के बाद में धुंधुली भी पुत्र के उपद्रव से बहुत दुखी हो गए, और एक दिन धुंधुकारी ने आकर के अपनी माता से कहा कि तुम्हारे पास जो भी आभूषण है, जो भी गहने हैं, उन्हें मुझे प्रदान कर दो। तब धुंधुली ने कहा कि तुम सर्वस्व मेरा ले जा चुके हो, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब उस दुष्ट पुत्र ने अपनी माँ की पिटाई कर दी। धुंधुली बड़ी दुखी हो गई, और दुखी होकर के उसने भी एक कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर ली, उसकी भी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी अकेले थे, वो भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधुकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि पिताजी भी चले गए हैं, माताजी की मृत्यु हो गई है, भाई गोकर्ण भी घर से चले गए हैं। अब धुंधुकारी का ही राजपाट था। खुली छूट मिलने के कारण धुंधुकारी 5 वेश्याओं को अपने घर पर ले आया, और वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल से चोरी कर ली। वेश्याओं ने विचार किया कि यह धुंधुकारी यदि जीवित रहा तो एक दिन एक
राजा के सैनिक इसे पकड़ ले जाएंगे और हमें भी पकड़ ले जाएंगे, अतः इसे मार ही डाले तो ही अच्छा रहेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने रात को सोते हुए धुंधुकारी को बांध दिया, यानी उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए और उसका वध कर दिया, तथा उसके पास जो भी धन था, सोना चांदी हीरा जवाहरात, सारी वेश्याएं लेकर के वहां से जो है चली गई। इसके बाद धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया और वायु रूप में भटकने लगा। जब वह प्रेत योनि में भटक रहा था, तब अचानक जो है गोकर्ण जी को कहीं से समाचार प्राप्त हुआ कि तुम्हारा जो भाई है धुंधुकारी, उसकी मृत्यु हो गई है तथा वह प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के अपने भाई का श्राद्ध किया, तर्पण किया, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधुकारी अनेक रूपों में जो है आकर के गोकर्ण जी को भयभीत करने लगा। एक दिन की बात है, गोकर्ण जी ने विचार किया कि मैं अपने घर और अपने गांव को जाकर के देखता हूँ। तो वो अपने गांव को आए और अपने घर में विश्राम करने लगे। रात्रि का समय था, गोकर्ण वायु रूप में आ गया, कभी शेर की आवाज में डराने लगा तो कहीं अलग अलग प्रकार की डरावनी आवाजें निकालने लगा। इस प्रकार जब प्रेत की आवाज चारों तरफ से सुनाई दे रही थी, तब गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और मेरे सामने आओ, आखिर तुम क्या चाहते हो? तब उसने कहा कि मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं आपका भाई हूँ तथा मेरे कुकर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। यदि आप मेरा उद्धार चाहते हो तो मेरे निमित्त जो है ऐसा कोई कर्म करो जिससे मेरा मोक्ष हो जाए, क्योंकि मैं प्रेत आत्मा हूँ। इस योनि में ना तो मैं कुछ खा पीता हूँ, ना जो है किसी चीज का ग्रहण कर सकता हूँ, यानी मैं हमेशा भूखा प्यासा ही वायु रूप में भटक रहा हूँ और मेरी आत्मा हमेशा तड़प रही है। तो भैया आप तो ज्ञानी हो, आप विद्वान हो, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे मोक्ष का कोई भी साधन ढूंढ लो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे मोक्ष का अवश्य ही कोई न कोई उपाय करता हूँ। प्रातः काल होते ही उन्होंने अपने इष्ट देवता सूर्य भगवान का ध्यान लगाया और सूर्य भगवान का जब उन्होंने ध्यान लगाया, उनको मन से पुकारा, तो सूर्य भगवान का रथ रुक गया। और सूर्य भगवान का जब रथ रुक गया तो सूर्य भगवान ने पूछा कि गोकर्ण क्या बात है, आखिर तुमने मुझे इतना जो है किस प्रकार से याद किया है और तुम क्या चाहते हो और इतने भाव विभोर होकर के मुझे क्यों पुकारा है? तब गोकर्ण जी कहते हैं कि प्रभु, मेरा जो भाई है धुंधुकारी, उसने कई प्रकार के गलत कार्य किए हैं, अनैतिक कार्य किए हैं और उसकी मृत्यु हो गई है तथा वह प्रेत योनि में भटक रहा है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय मुझे बताइए जिससे उसका मोक्ष हो जाए और उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परम धाम को प्राप्त हो सके। भगवान सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण जी, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो, उसका मोक्ष चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण उसकी आत्मा को करवाओ और 7 दिन की कथा कराओ तो निश्चय ही उसका मोक्ष हो जाएगा और वह परम गति को प्राप्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देवता सूर्य भगवान की आज्ञा को माना और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की तैयारी की। सारे गांव वालों को बुलाया और कहा कि मैं 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप सभी लोगों को कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो भाई है वह प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी मुक्ति के लिए, उसके मोक्ष के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा आप सभी लोगों को सुनाऊंगा तथा उसकी आत्मा को भी सुनाऊंगा। सारी तैयारी की गई, एक मंच बनाया गया और मंच के समीप एक 7 गठान वाला बांस वहां पर रख दिया गया और उस बांस में वायु रूप में धुंधुकारी भी आकर के बैठ गया। उसके बाद गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया। पहले दिन की जैसे ही कथा समापन होती है, वैसे ही बांस की एक गठान तड़ करके फट जाती है। उसके बाद दूसरे दिन की जैसे ही कथा संपन्न हुई, दूसरी गठान फट जाती है। तीसरे दिन की जो कथा होती है, तीसरी गठान फट जाती है।
इस प्रकार निरंतर जो है 7 दिन की कथा संपन्न होती है और सातों गठाने फट जाती है। उसके बाद एक दिव्य विमान धुंधुकारी के लिए आता है और अब धुंधुकारी सुंदर वस्त्र धारण करके और सुंदर वेश में सबके सामने प्रकट हो जाता है। भगवान के जो दूत है वो धुंधुकारी के लिए एक सुंदर विमान लेकर के आते हैं। गोकर्ण जी ने आश्चर्यचकित होकर के भगवान के दूतों से पूछा कि आपको हम प्रणाम करते हैं और आपसे हम निवेदन पूर्वक एक प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान के पार्षदों ने भगवान के दूत ने कहा कि निश्चय होकर के आप प्रश्न करिए, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों में श्रवण हमने और इन सब गांव वालों ने सबने किया है, लेकिन आप केवल और केवल धुंधुकारी के लिए विमान लेकर क्यों आए हैं? बाकी लोगों के लिए आपने जो है इस प्रकार का विमान क्यों नहीं लेकर आए? भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी को जवाब दिया कि देखिए गोकर्ण जी, भागवत कथा तो आपने सभी ने सुनी है, लेकिन धुंधुकारी दिन में कथा का श्रवण करता था तथा रात्रि के समय मनन करता था, यानी पूरे 2400 घंटे इसके मन मस्तिष्क में श्रीमद् भागवत कथा चलती रहती थी, इसलिए इसने श्रीमद् भागवत कथा को अपने अंदर उतार लिया है, इसीलिए इसके लिए हम विमान लेकर के आए हैं। यदि आप सभी लोग इस प्रकार से कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आप सभी को परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस कथा को सुन करके और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के बाद एक बड़े से बड़े पापी का भी मोक्ष हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो कोई भी मनुष्य यदि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है और इस महात्म का श्रवण करता है, निश्चय ही वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सदर जय श्री कृष्ण, सदर धन्यवाद।